हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने एक नया राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया और आप पता करना चाहते कि आपका राशन कार्ड बन गया है या फिर नहीं, तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूं कि आप अपने घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से सिर्फ 2 मिनट में पता कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड बन चुका है या फिर नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही साथ इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ही प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते मोबाइल की स्क्रीन पर। आपका राशन कार्ड बनाया फिर नहीं, उसकी डिटेल्स को निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद गूगल सर्च बार में टाइप करना है मेरा राशन। टाइप करने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करते ही आपके सामने पहले नंबर पर एप्लीकेशन आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेंगे और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसे यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले ये नोटिफिकेशन की परमिशन मांगेगा, इसे यहाँ से अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आप एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आप पता करना चाहते हैं कि आपका राशन कार्ड बना या फिर नहीं, उसको पता करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है आधार सीडिंग। सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर पता करने के लिए आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है राशन कार्ड नंबर। तो आपने यहाँ पर नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया तो आपके पास राशन कार्ड नंबर नहीं होगा, तो यहाँ पर राशन कार्ड की डिटेल्स को पता करने के लिए आधार संख्या को सिलेक्ट कर लेंगे। आधार संख्या को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं आधार संख्या, यानी कि आपने जब भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था उस राशन कार्ड में जितने भी मेंबर आपने जुड़वाए थे उन मेंबर में से किसी एक मेंबर का यहाँ पर आधार नंबर टाइप कर लेंगे। आधार नंबर को टाइप करने के बाद अब यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की डिटेल्स निकल कर आ जाएगी। अगर आपका राशन कार्ड बन चुका है तो इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना होगा तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा देगा। तो यहाँ पर आप डिटेल्स में मूल राज्य देख सकते हैं, मूल जिला देख सकते हैं, योजना का नाम देख सकते हैं, जो भी आपका राशन कार्ड नंबर है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, दुकान संख्या देख सकते हैं, जो भी स्थिति है यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे आपको सदस्य के नाम देखने के मिल जाते हैं, यानी कि जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं उनके नाम यहाँ पर आप देखने को मिल जाते हैं। साइड में आप आधार सीडिंग स्टेटस देख सकते हैं, यानी कि सबकी आधार केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट है। अगर आपका यहाँ पर राशन कार्ड बन जाता तो आप किसी भी राशन डीलर पर जाकर अपना राशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से पता कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड बनाया फिर नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।